10 जून को जो रांची हिंसा हुई थी इसको लेकर एक बार फिर से एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि डीसी एसएसपी ने एक जांच रिपोर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय को सौंपी है। आपको बता दें एक्सक्लूसिव खबर जीएन भारत आपको दे रहा है, उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है कि डीसी और एसएसपी ने जांच रिपोर्ट तैयार किया गया है उसमें लिखा गया है कि 10,000 भीड़ जो है बिना सूचना का इकट्ठा हो गई और इसको नियंत्रित करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि हमें गोली चलाना पड़ा, क्योंकि अगर हम गोली नहीं चलाते तो बहुत सारे पुलिसकर्मी चूंकि प्रदर्शन बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए थे, एक पुलिस जवान को गोली भी लगी थी और भी लोग घायल होते अगर हम नहीं चलाते तो, क्योंकि बात जो है वो अपने जान पर आ गई थी तो अपने जान को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ गया। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय जांच कर रही है और अब वो रिपोर्ट जाएगी गृह मंत्रालय को। आपको बताते चले अमित शाह ने यानी गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री अमित शाह ने खासकर ये रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट हमें चाहिए जिसकी जांच की जाएगी। जी हाँ, और फिर ये रिपोर्ट जो जांच का क्या निकल के आता है वो तो 4-5 दिन बाद निकल के आएगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो है वो रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय से सौंप दी गई है अमित शाह यानी गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय इसका गहन जांच करेगी। जी आपको बता चले 10 जून को जो हुआ था उसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी और कई घायल भी हुए थे जिसको लेकर रांची में काफी बवाल हुआ था और पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी काफी सवाल उठाया गया था। लेकिन राज्य स्तर पर भी एक एसआईटी जांच कमेटी बैठाई गई थी जो कि उत्पाद सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल उनके देखरेख में जांच चल रही है। इस जांच की भी रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले एक नॉर्मल रिपोर्ट आई थी लेकिन अभी पूरा जांच हुआ नहीं है। लेकिन सरकार भी गृह मंत्री जो है बहुत ही कड़े रवैये से पुलिस मुख्यालय से ये पूछी है कि आप आखिर जांच रिपोर्ट कब दे रहे हैं, आने वाले 10 दिनों के अंदर जो एसआईटी जांच बैठाई थी उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल के अंदर उसकी रिपोर्ट किसी भी हाल में हमें 10 दिन के अंदर चाहिए। और पुलिस मुख्यालय एक और रिपोर्ट कल अमित शाह को भेज चुकी है, गृह मंत्रालय को भेज चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जांच रिपोर्ट में और क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से बवाल हुआ था रांची में हिंसा ये बहुत बड़ा पूरे इंडिया में और पूरे देश में इसका बहुत पुलिस प्रशासन के रवैये में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सवाल उठाई गई थी, कहा गया था पुलिस प्रशासन की चूक है। इसको लेकर पूरा का पूरा जो प्राथमिकता है वो डीसी एसएसपी ने अपने तरफ से तो दे दिया है, पुलिस मुख्यालय ने भी अब भेज दिया है गृह मंत्रालय को। देखना दिलचस्प होगा गृह मंत्रालय से क्या कुछ जवाब आता है। जो भी जवाब आएगा जीएन भारत सबसे पहले होगा आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।